दोस्तों शिवानी कुमारी को गांव का गवार कहने वाले एल्विस यादव या स्टर्न जैसे छपरी चूतियों को कहना चाहता हूँ कि कभी इतिहास में पीछे जाकर बाप दादाओं से पूछो कि बेचारे उसी देसी कल्चर में पैदा होकर पले बड़े और बेरोजगारी के कारण शहर में चले आए, फिर तुम जैसे छपरी चूतिया पैदा हो गए जो आज अंग्रेजी झाड़ने में लगे हुए हैं। सच्चाई दोस्तों यह है कि बहुत दिनों से इन्हें कोई कंटेंट नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने देखा कि एक गांव की लड़की बिग बॉस में आई है, उसी पर वीडियो बना लेते हैं, दुकान भी चल जाएगी, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और गाली भी खा लेंगे, क्योंकि ये गाली वाले छपरी हैं, बिना गाली खाए इनका खाना नहीं पचता है। अब ये शिवानी कुमारी को रोस्ट कर रहे हैं, लेकिन जितना रोस्ट कर रहे हैं उससे 100 गुना ज्यादा बेचारे गाली खा रहे हैं, और मुझे लगता है कि एल्विस यादव का खाना बहुत अच्छा पचता होगा। दोस्तों शिवानी कुमारी को गांव का गवार कह के ताना मारने वाले, दरअसल शिवानी कुमारी कोई पहली कंटेस्ट नहीं है, बल्कि इससे पहले जब खेसारी लाल यादव बिग बॉस में गए थे तब उनको सिद्धार्थ शुक्ला जो कि टीवी एक्टर था वो कह रहा था कि भैया हाथ जोड़ता हूं, तू शो से बाहर चला जा, तू बिग बॉस से बाहर चला जा, तेरी कल्चर समझ में नहीं आती है, तेरी भाषा समझ में नहीं आती है। हिंदी में बात कीजिए, आप पूरे दिन अंग्रेजी छाड़ते हैं तो हमको हाँ, तो आप बोलते ना तो हम आपके लिए हिंदी बोल देते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा, आप पूछते ना हमको समझ में नहीं आ रहा, बताओ हमको समझ नहीं आपको मैं आप तो हम तो एक एक भोजपुरी बोले हैं, आप तो पूरा दिन अंग्रेजी बोलते हैं। हाँ तो हमको समझ नहीं आता, जब आपको नहीं आता हम बता देते ना, इसीलिए क्या बोलते हैं तब हम आपके पीछे पीछे थोड़ी घूमते हैं, जब आप मुझे ट्रांसलेट करिए। हाँ जी ट्रांसलेट, हम पीछे पीछे हाँ जो भी हो आप समझ गए ना, समझ गए सब लोग, तो समझिए हम एक भोजपुरी बोले तो इनको कितना कष्ट हो गया भाई, कष्ट किधर हुआ, इन्होंने बोला क्या बोला आपने, जैसे आप पता है ना इनको समझ में नहीं आती, बातें बोलने लग जाते हैं, उल्टा बोलने लग जाते हैं इनको, क्यों? अरे तो हम आपके तरह समझदार थोड़ी हैं, वो तो दिख रहा है हम बैकूफ लोग हैं, आ गए यहाँ पे क्या करिएगा। और अब बिग बॉस में इस वक्त कम से कम 15-16 कंटेस्टेंट बैठे हुए हैं, जिनमें से 12-13 लोग बिग बॉस से रिक्वेस्ट करके शिवानी कुमारी को इसलिए बाहर निकालना चाहते थे बिग बॉस से कि वो गांव की है, अपनी देसी भाषा में बात करती है, और एक है एल्विस यादव का टूटल कटारिया, खैर इसे लौड़ा कटारिया कहें तो बेहतर होगा, ये कह रहा था कि शिवानी कुमारी को बिग बॉस से निकाल दो, इसकी देसी भाषा, इसका देसी कल्चर मुझे समझ नहीं आता है। मैं इस लौड़े कटारिया को कहना चाहता हूँ कि बेटे तू इतना भी अंग्रेज का चौदा नहीं है कि तुझे देश की भाषा समझ में नहीं आ रही है। खैर ये शहरी छपरी चूतिए जो शिवानी कुमारी को गांव का गवार बोल के बिग बॉस से निकलवाना चाहते थे, शायद ये भूल गए थे कि गांव के लोगों में कितनी एकता होती है, गांव वालों की कितनी पावर होती है। खैर फाइनली गांव के लोगों ने पावर दिखाया और इन शहरी छपरियों पे भारी पड़ी शिवानी कुमारी और दोबारा बिग बॉस में एंट्री हो गई है। मैं गांव के लोगों से और शिवानी कुमारी को पसंद करने वाले उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि अपना प्यार अपना सहयोग शिवानी के ऊपर इसी तरह बनाए रखिएगा, क्योंकि आगे भी हो सकता है कि इन शहरी छपरी चूतियों के चुनौतियों से शिवानी कुमारी को सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो एकदम तैयार रहिएगा हर चूतियों के चुनौतियों से लड़ने के लिए।